धामनोद दूधी बाईपास रोड पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय सिंह और इंदौर जोन के क्षेत्रीय संगठन के सचिव राजकुमार दुबे के नेतृत्व में धर्मपुरी विधानसभा की सदस्यता अभियान के तहत बैठक रखी गई, जिसमें 70-80 लोगों ने बैठक में सदस्यता ग्रहण की। सन्नी जी जाट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भ्रष्ट भाजपा भ्रष्ट कांग्रेस आओ बदले, दोनों पार्टियों से तंग आकर आज मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। राजकुमार दुबे ने बात रखते हुए कहा कि भारत देश आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी छोटे स्तर के आम आदमी तक सरकार की कोई भी योजना नहीं मिली है। दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला किया है। आम आदमी आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 45,000 रुपए का कर्ज है। दोनों पार्टियों ने सिर्फ जातियों और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। आज भाजपा की पुण्य बहुमत से सरकार बनने के बाद भी संविधान खतरे में है। ऐसी सरकार को तो जड़ से खत्म कर इस देश से ही खत्म कर देना चाहिए। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। अरे आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, इसका मतलब यह है कि हम सब देश के विकास में सहयोग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे माननीय केजरीवाल जी महोदय ने दिल्ली में जो विकास किया है जमीनी स्तर पर और वास्तविक में वहां के दिल्ली वासियों को जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की है, हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नाम पर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं से परीक्षाओं के नाम पर बहुत सारी शुल्क वसूल ली जाती है और भर्तियां जीवा मात्र होती है। परीक्षाओं में बहुत प्रकार की गड़बड़ियां होती है। फिलहाल भी व्यापम की जो संविदा वर्ग 3 परीक्षा हुई, उसमें अभी अभी मैसेज आ रहे हैं कि उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हो गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। युवाओं से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं लेकिन कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है और शिक्षा व्यवस्था को इतना बिगाड़ कर रखा है कि आज पढ़ाई में कॉलेज में भी ढूंढोगे तो अंगूठा छाप मिलेंगे। सरकारी तंत्र को खराब कर दिया है। बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। सिर्फ उद्योगपति और व्यापारियों की सरकार है, ये निजी लोगों के हाथों में सारी चीजें सौंपना चाहती है और सरकारी तंत्र को बेचना चाहती है। तो सभी साथी मिलकर आम आदमी के साथ जुड़कर एक विकास करना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा हो, हर गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश में गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, सिर्फ सरकारी स्कूल में जाके दोपहर में भोजन भार सौंप दिया जाता है, उन्हें बंदर की तरह नचाया जा रहा है, कभी ये काम करो कभी वो काम करो, उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से सरकारी शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन हमारे केजरीवाल जी महोदय ने दिल्ली में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है जहां पर हर गरीब का बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कर रहा है। बीजेपी सरकार के बड़े नेता कहते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, वो सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं। हमारे केजरीवाल जी महोदय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।